दोस्तों, स्टडी मूड चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जेडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2019 का आज हम बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ऑफिशियल नोटिस में हम लोग देखेंगे और आपका नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया होता है, इसमें आपका मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। बाकी सब हम लोग एनालाइज करेंगे कि कितने लोग कहाँ से अपीयर हुए हैं और बिहार यूपी का इसमें कितना योगदान है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कट दिया है और वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में ये दिया था कि ये देख लीजिए। सब लोगों को ये पता होगा कि 31/5/2019 को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन आगे इसका पोस्टपोन्ड कर दिया, 21/6/2019 को कर दिया था। 21/6/2019 को किया था, एंसर शीट भी आपको दिया था, एंसर शीट मैंने सब लोगों ने मिलाया। फिर बीच में नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया है और पूरे काफ़ी मात्रा में ये 30 लाख के करीब लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो पूरे का ये करना टाइम भी लगता है, ठीक है। तो इसमें CAPF का और असम राइफल, NIA, SSF, इसमें जो वैकेंसी आया था 2018 में, उसी का रिजल्ट जो आएगा ये आने वाले अगले 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कन्फर्म रहिए, ठीक। फिर उसके बाद फिजिकल होगा और फिजिकल के लिए ही ये देखिए, फिजिकल जो होता है अधिकतर जैसे गर्मी ख़त्म होगा, 1-1.5 महीना बाद आपका गर्मी ख़त्म हो जाता है। जब भी गर्मी ख़त्म होता है, बरसात शुरुआत होता है, उसी समय ये अपना अधिकतर फिजिकल लेता है, जो भी ये GD का फिजिकल होता है उसी समय लिया जाता है, ठीक। और जब उसी समय ये फिजिकल लिया जाएगा, क्यों लिया जाता है कि कब की गर्मी में फिजिकल देना बहुत ही कठिन हो जाता है, लड़का लड़की दोनों के लिए फिट मार सकता है, तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये बरसात में अक्सर फिजिकल इसका होता है, ठीक है, शुरुआती बरसात में। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, यहाँ पर देख सकते हैं CISF भी आता है, CRPF, BSS भी आता है, असम राइफल्स अलग है, ठीक। ये जो असम राइफल्स फाइलमेंस ये आता है, ठीक। तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ये 3 अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे CRPF आ जाएंगे, CISF आ जाएंगे, SSB आ जाएगा, ITBP आ जाएगा और बाकी असम राइफल्स का, NIA का, ये सब अलग अलग आ जाते हैं। सब मिलाकर जो वैकेंसी था वो लगभग आपका कुछ वैकेंसी बढ़कर हुआ था 58,373 वैकेंसी, जिसका एग्ज़ाम चला था 11 फरवरी से 11 मार्च तक। कितना वैकेंसी है देख लेते हैं पहले, वैकेंसी कितना है तो 58,373, इसके 10 गुना रिजल्ट देना है। प्रत्येक राज्य का होता है, जो 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित राज्य है, प्रत्येक राज्य का कट ऑफ अलग भी बनता है, ये भी याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य का क्या होता है कट ऑफ अलग बनता है, ठीक, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग बनता है, कहाँ से लोग कितना अप्लाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनता है, ठीक। ज़्यादातर उत्तरी भारत जो है और उत्तरी पश्चिमी भारत है, हरियाणा पंजाब, यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई बन जाते हैं, दिल्ली हुआ, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इसमें एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, देखिए जो फॉर्म डाले थे लगभग 52 लाख के करीब फॉर्म फिलअप किया गया था और 30 लाख करीब लोग एग्ज़ाम दिए थे, शामिल हुए थे एग्ज़ाम हॉल में, शामिल हुए थे जो एग्ज़ाम दिए थे, ठीक। बाकी इसमें आप देख लीजिए तो 1/3 तो सदस्य सिर्फ बिहार से थे, देखिए 14 लाख जो था, लगभग 15 लाख बिहार और यूपी मिलाकर दोनों फॉर्म अप्लाई किए थे और जिसमें से 9 लाख 9.5 लाख एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 लाख में 9 लाख तो सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा अपियर बिहार और यूपी से, तो कितने संख्या में ज़्यादा हुए हैं अपियर। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितना है तो लड़कियों का है, सबसे ज़्यादा लड़के ही शामिल हुए हैं, लड़की का इसकी लड़कों की अपेक्षा काफ़ी कम है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कि लड़कों की अपेक्षा काफ़ी 20 से 25 नंबर तक कम हो जाता है कट ऑफ, बिहार में भी यूपी में भी, ठीक। बाकी कट ऑफ का अगर देखते हैं तो यूपी और बिहार से भी कट ऑफ हरियाणा के लड़की का ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर लड़की सब ज़्यादा जाती है फोर्स में और फिजिकली भी सही है और जागरूकता भी है, ठीक। बाकी इधर भी है, लोग कोशिश करता है, तो यहाँ पर भी लड़कियों का कट ऑफ जो जाएगा पिछले, मतलब बार पिछली जो हुआ था उससे कुछ हो सकता है कि 1-2-3 नंबर ज़्यादा जाए, बाकी ज़्यादा इसे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बात आता है नॉर्मलाइजेशन का, देखिए बहुत शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 1 महीने तक एग्ज़ाम आपको चला है, एक दिन में कभी 2 शिफ्ट में होता था, कभी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, और हिंदी GS और आपका हिंदी था 25, जनरल नॉलेज, जनरल करंट अफेयर्स सब मिलाकर 25 क्वेश्चन था, मैथ था 25 क्वेश्चन और 25 रीजनिंग था, 100 क्वेश्चन था इसमें। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, कट ऑफ पर हम लोग आज बात नहीं करते, आज हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होता है एक पॉइंट से उठाकर उस पर देखा जाता है कि कितना लोग हार्ड क्वेश्चन कितने शिफ्ट में कितने लोग किए हैं और कितने शिफ्ट में कितने लोग कितने क्वेश्चन किए, मीन्स कि मान लीजिए आज हो गया 11 तारीख, ठीक है, तो देखा जाएगा कि 11 तारीख को उठा लिया जाए तो 11 तारीख को देखा जाएगा कि इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून, मीन्स की तीनों शिफ्ट में लोग मिनिमम मैक्सिमम के बीच अंतर निकालकर यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक विधि है, जो भी साइंटिफिक है, वो SSC ने अपना देकर नोटिस बता दिया था, ठीक है। तो इसमें कोई किसी को 5 नंबर बढ़ेगा, किसी को 10 नंबर बढ़ेगा, ठीक। अधिकतर क्या होता है कि बेसिक पॉइंट से बहुत कम घटता है, घटता नहीं है, वहीं से बढ़ा दिया जाता है। SSC का एक रूल है कि जैसे रेलवे की तरह नहीं कि मान लीजिए आपका 70 है तो घटाकर आपका 65 कर दिया, अक्सर ये नहीं देखा जाता है, 70 है तो 70 पर रुका रहेगा और इसे बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा, 75 करेगा, 80 करेगा, तो ये घटाने वाला बहुत ही कम इसके बारे में शिकायत मिलता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। बाकी आप लोग स्कोर कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है, आप स्कोर कार्ड अपना देखे होंगे, मीन्स की आंसर की मिलाकर आपने पता किए होंगे कि कितने क्वेश्चन आपका आ रहा है सही, ठीक, कितना मार्क्स बन रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना मार्क्स आपका बन रहा है, ठीक, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ।
तो ये था वीडियो आपका, 21 जून मात्र 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, PDF में आएगा रिजल्ट, वहाँ पर अपना रोल नंबर डालकर या अपना नाम डालकर सर्च कर पूरा रिजल्ट देख लीजिए, अक्सर रोल ही नंबर डालिएगा और रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक। वहीं पर आपको दिखाएगा पीले रंग का ऐसे कर दिखाएगा, रोल नंबर के ऊपर ऐसे कर देगा और आपका नाम दिखाएगा, फादर्स नेम ऐसे कुछ, या रोल नंबर सिर्फ दिखाएगा, ठीक। वो PDF बनता है, अगर PDF जैसे 3 भाग में बनता है, रोल नंबर, रोल कोड और नाम, और पिताजी के नाम पर भी बनता है, तो ऐसे जैसे अपना नाम भी और पिताजी के भी नाम पर ऐसे भी सर्च करने पर आ जाता है, तो वो अब देखिए किस तरह से बनाता है, ठीक। तो ये था वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक, उस दिन इंतजार कर लीजिए। और अभी तक फिजिकल में नहीं लगे, जो लोग लग रहा है कि नहीं मेरा आ जाएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन करनी है, तो फिजिकल में भी लग जाइए, काफ़ी हार्ड फिजिकल है इसका, ठीक। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मोड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।